हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सब उस्ताद और आप देख रहे हैं तकनीकी उस्ताद। ऑनर लेके आने वाला एक अपना नया फ़ोन जो कि ऑनर प्ले। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिनको गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो चलिए बात कर लेते इस फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के बारे में। तो इस फ़ोन में आपको 19.5 एस्पेक्ट रेशियो 9 का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। इस फ़ोन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फ़ोन मेटल बॉडी से मेटल से बना हुआ है। इस फ़ोन में आपको बैक में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन में आपको डुअल रियर कैमरा होने वाला है, ये बात कन्फर्म हो गई है। ये फ़ोन जो है आपको सामने एक नॉच भी इस फ़ोन में मिलने वाला और ज़्यादातर जो है इस फ़ोन में डिस्प्ले मिलेगा स्क्रीन पे। चलिए इस फ़ोन के बारे में, अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो इस फ़ोन में जो है आपको किरिन का 970 प्रोसेसर मिलता है जो एक GPU के साथ काफ़ी फास्ट प्रोसेसर तो है ही है और इसमें आपको गेमिंग का बहुत अच्छा इस प्रोसेसर में एक्सपीरियंस होने वाला है। अब हम बात करें इसके कैमरे की, तो इसमें आपको 16+2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा विथ AI मिलता है। मतलब इसमें आपको काफ़ी AI का सपोर्ट मिलेगा इसके कैमरे में, जो आप जो है काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं फ़ोटो खिंचाने किसी सीन पे गए, अगर मान लिया आपका बीच का सीन है या समुंदर का सीन है, तो उस हिसाब से AI जो है वो एडजस्ट करता है सीन को। अब हम बात कर ले अगर इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है जिसको आप सेल्फी कैमरा भी कह सकते हैं। अगर हम बात कर ले इस फ़ोन में रैम की, तो इस फ़ोन में आपको LDP का DDR4 रैम मिलता है जो 6GB 64GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ भी फ़ोन में आता है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक। इस फ़ोन में आपको डुअल सिम नैनो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इस फ़ोन की अगर हम बात कर ले जो एंड्रॉयड वर्जन है, वो आपको 8.1 ओरियो का सपोर्ट मिल जाएगा और इसमें EMUI 8.2 बेस जो ऑनर का जो कस्टम UI होता है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर इस फ़ोन की बैटरी की हम बात कर लें, तो इस फ़ोन में आपको 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको चार्जर भी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो 9V 2A का चार्जर इस बॉक्स में आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लें इसके कलर की, तो इस फ़ोन में आपको 3 कलर लॉन्च होने वाला है। जो पहला कलर है वो होता है मिडनाइट ब्लैक, दूसरा और नेवी ब्लू। फिलहाल जो है 2 ही कलर है, तीसरा अभी आने वाला है। अब हम बात कर लें इस फ़ोन में जो है 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 4K के तक आपको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका रिजोल्यूशन होगा 3840x2160। अब हम बात कर ले इस फ़ोन में कुछ स्पेशल फ़ीचर की, तो इस फ़ोन में जो है कुछ स्पेशल फ़ीचर है जैसे कि शॉपिंग रिडिफाइन। इस फीचर में आपको मिलता है, ये स्पेशल फीचर इस फ़ोन का, इसमें आपको जो है बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट आपको कहीं पसंद आता है, अगर उसका आप इमेज खींच के और उसमें जो है वो अपने फ़ोन में अपलोड करते हैं, तो वो बेहतर एक्सपीरियंस आपको जिस साइट पे भी वो चीज़ अवेलेबल होगी या जिस सॉफ्टवेयर पे भी, जिस एप्लीकेशन पे भी, वो आपके स्क्रीन पे सामने ला के AI के थ्रू रख देगा। दूसरा जो स्पेशल फीचर है इस फ़ोन में वो आता है स्मार्ट मैनेजमेंट गैलरी, ठीक है, वो गैलरी काफ़ी अच्छे से आपकी मैनेज करेगा वो AI के थ्रू। तीसरा जो स्पेशल फीचर है वो है 3D पोर्ट्रेट लाइटिंग का, और चौथा जो फीचर स्पेशल है वो आता है EIS एंड AIs, आपको दोनों का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। और अगर पांचवें स्पेशल फीचर की बात करें, तो इस फ़ोन में 3D गेमिंग साउंड इफेक्ट, जो काफ़ी बेहतर आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। आप अगर गेम खेलेंगे तो इसमें काफ़ी बेहतर आपको साउंड इफेक्ट मिलेगा। आप अगर चौथे फीचर की बात कर लें, तो इसमें 4D गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलने वाला है, ऑनर ऐसा बोलता है। अगर पांचवें अगर हम फीचर की बात कर लें स्पेशल फीचर की, तो उसमें आपको स्मार्ट पावर मैनेजमेंट मिलने वाला है, जो आपकी बैटरी को काफ़ी अच्छा और कम कंजप्शन में जो है वो आपको ज़्यादा बैकअप देगा, और ये कंज्यूम भी बैटरी आपकी कम होगी और 30% डिक्रीज पावर कंजप्शन और 60% इंक्रीज, ऐसा बोलता है ये ऑनर, क्योंकि ये जो है GPU के थ्रू इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और अगर हम बात कर ले एक और फीचर आज हर फ़ोन में आपको मिल रहा है, वो है USB टाइप सी पोर्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है इस फ़ोन की। और अगर हम बात कर ले इसमें, तो डुअल माइक्रोफोन आपको मिल जाता है, एक नॉइज़ रिडक्शन का भी इसमें माइक्रोफोन आपको मिलता है। तो ये ओवरऑल ये फ़ोन था, पूरा स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया ऑनर प्ले के बारे में। अब इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है अगर ये फ़ोन आपको जो है कम प्राइस मींस 30,000 के अंडर ये फ़ोन अगर लॉन्च होता है, तो इससे बेहतर आपको फ़ोन नहीं मिल सकता है मेरे हिसाब से। और अगर ये फ़ोन जो है वो अगर 35,000 या 40,000 से ऊपर जाता है, तो ये फिर वो फ़ोन जो है वो ख़रीदने लायक नहीं रहेगा। तो अब हम बात कर ले ये फ़ोन लॉन्च कब होने लगा, तो ये इसकी जो डेट है वो है अमेज़ोन पे लॉन्च होगा ये 6 अगस्त को। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।